मैं बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग कर रही हूँ पर अंदर से ऐसे ऐसे से हाथ हो रहा है मेरा, यही सच्चाई है। मतलब मैं ये जेन्युइन बात बोल। अच्छा एक और बात जो मेरे मन में थी, जब भी इस तरीके से कोई महिलाओं का संगठन होता है, महिलाओं का सम्मेलन होता है, तो वहां जाने के लिए मैं सच में बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। मुझे लगता है कौन क्या पहना होगा, उनका साड़ी कैसा लगा था, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, उन्होंने कैसा टैटू कराया था। अच्छा ये मेरे मन की बात है, लेकिन मैं भोजपुरी से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैं भोजपुरी गीत गाती हूँ। वहाँ की गांव देहात की एक महिला जो बहुत फ्रस्ट्रेट है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, पति बेरोजगार है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, गांव में भी एक दो बीघा खेत बाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है। बस उसको इतना पता है कि 2014 में कोई आया था और बड़ी बड़ी बातें करके गया था और अभी 2023 आ गया, कुछ हुआ नहीं। उसके मन के भाव क्या है मैंने भोजपुरी में लिखे हैं, मैं सुना रही हूँ। मेरे साथ आप लोग भी सुनाइएगा। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गाई सुनाओ। अच्छा भोजपुरी में आप लोग जानते होंगे गारी की भी विधा है। राम जी जब ब्याह करने मिथिला गए थे तो सखियों ने गारी गाया था, अवध की नारी है बड़की, खूब गरियाया था। तो मैंने साहेबवा के लिए गारी लिखा है, मैं वो सुनाती हूँ। हे साहेबवा सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हिर साहेबवा के डिगरी नहीं है, डिगरी नहीं है जी, डिगरी नहीं है। हे दिखाओ चौकी दरवा अपन डिगरी दिखाओ, सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हीरे फकीरवा के कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है तन पे कपड़ा नहीं है, इनके 10 लखिया सूट पहनाओ पहनाओ भोली जनता साहेबवा के सुनाओ। अरे हीर साहेबवा के गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है जी, घोड़ा नहीं है। हे अडानी के जेट दिलवाओ, दिलवाओ भोली जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ। अरे ऐसन साहेब के नइखे जरूरत, नइखे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त, ए जी 24 में इनके हटाओ हटाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। हे साहेबवा के देवो चुनी चुनी गारी, चौकी दरवा के देवो चुनी चुनी गारी, 15 लाख के वादा जे कैले, 9 साल बीतल पैसा न आइले। हे जी 24 में पलड़ा विरोधियन के भारी, साहेबवा के देवो चुनी चुनी गारी, झोला उठाओ झोला लेके चले जाओ, मन की बात कहीं औरे सुनाओ, तो हर 24 में ढील होई लमरदारी, साहेबवा के देवो चुनी चुनी गारी। 14 में गो आयल फकीर हो, 2 करोड़ नौकरी के खिचलस लकीर हो, ए जी नौकरी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी, साहेबवा के देवो चुनी चुनी गारी। एक और गीत सुनाती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बनी साहेब रोजगार मांगीला बेरोजगार। अच्छा इतना सोफिस्टिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है, थाली भी नहीं बजा रहे, गुनगुना भी नहीं रहा, ऐसे तो ऐसे मैं कैसे गा पाऊंगी महाराज, थोड़ा ऊर्जा दिखाइए आप लोग भी। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला,
ठीक नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगिला, और तू करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल की रोजगार मिली ज्यादा। सुना नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, खेत बारी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार पानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे पढ़त पढ़त आप लोगों के लिए जो नौजवान बैठे हुए हैं, अरे पढ़त पढ़त झड़ी गई ले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। अरे पढ़त पढ़त झड़ी गई ले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। दूलरुआ बबुआ भैले भार, नौकरी कहिया मिली। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गई भट्टा, आप खोल देख मलिकार हम झूठा, खेत बारी जमीन बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे उम्र अधिया भैल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। उम्र अधिया भैल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। नवहा धुने लेका पार, नौकरी कहिया मिली। एक बार मैं बोलूंगी हमके चाहिए ना कुछ और, तो आप लोग रोजगार चाहिए बोलिएगा, ठीक है, मेरा साथ दीजिएगा। हमके 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 चाही ना कुछ और रोजगार चाही, हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही, हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही। इतना धीरे ही अपने घर में बोलते कि खा पी के नहीं आए आप लोग। हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही, हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही। बहुत धन्यवाद। बहुत कम मन से सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्योंकि ये महिलाओं का मंच है तो मैंने एक गीत और लिखा है। सास पतो एक दिन झगड़ा कर लिए तो सास ने कहा कि बहुत लड़ाकिन बड़ू तुम, बहुत चढ़बाक बड़ू तुम। भोजपुरी में ऐसे ही बोला जाता है, अगर आप लोग भोजपुरी समझते होंगे तो हमारे नियंत्रण ठीठ पतो रहल हुई। तो उसने बोला कि हम खाली मरदे झगड़ा ना करब, हम केवल मर्द से नहीं लड़ेंगे, हम केवल ससुर से नहीं लड़ेंगे, भसुर से नहीं लड़ेंगे, हम केवल सास से नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे। कहती है कि गाना और कान में कबाली नथिया मंटिका के बीच में हमको मत बांधिए, ये सब गुलामी है, ये सब बेड़िया है, इसको सब बेच दीजिए, खेत बारी रख दीजिए, हम पर भारी लड़ेंगे, ऐलान कर दीजिए ना। कहती क्या है, मैंने गीत लिखा है ऐसे 1.5 साल पहले लिखा था, आप लोग सुनिएगा। अरे गहना बेच दा गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा चूड़िया बेच दा, खेतवा धाई दा रेहन बलम पर धानी लाड़ब, पिया हो पर धाइन बानब। गहना बेच दा गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा चूड़िया बेच दा, खेतवा धाई दा रेहन बलम पर धानी लाड़ब, पिया हो पर धाइन बानब। मन में क्या का भाव बा, अरे जीतला के बाद हमार बैंकवा के खाता चर चराई हो। सुना गौआ जवार चाहे के तनु खीसी आई कच कचाई हो, भाव न देह भाव काल में रहब, भाव न देह भाव काल में रहब, सिल्क साड़िया पहन बलम पर धानी लाड़ब, पिया पर धाइन बनब। अरे जितला के बाद हमर मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, अरे दुबर पातर दहिया हमर देखी हा कुछ दीने में मोटाई हो, अरे थरिया में मुर्गा
बैठी बोले रो मुखिया इन कहाइब बदली रहन सहन बलम परधानी लाड़ब पियाहु परधाइन बानब गहना बेच दा गुरिया बेच दा हरवा बेच दा चूड़िया बेच दा खेतवा धाई दा रेहन बलम परधानी लाड़ब अरे ईटा के दीवाल पे बुझाता ना भोजपुरी अरे ईटा के दीवाल पे फूटी पलस्तर हो आई हो ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पुताई लग लगाई हो सबसे छोटे होने का फायदा यही होता है मुझे कहा गया है कान में कि 10 मिनट तो हर एक्स्ट्रा बात तो मैं बड़ी खुश हूँ मैंने यूपी में कावा वो मुझे पता था कि आप लोग जरूर सुनेंगे यूपी में कावा मैं सुना देती हूँ आइए अच्छा डिमांड भी आ रहा है ऊपर अच्छा नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो पीड़ित तो है एकदम सही बात है मैं एक बार यूपी में कावा सुना देती हूँ और इसके बाद मैं संविधान गीत गाऊंगी मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं भोजपुरी में तो वो भी मैं सुनाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं यूपी में कावा सुना देती हूँ अरे खत्म रोजी ग्रार बा बाबा के सरकार बा हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा यूपी में कावा कोरोना से लाखन मर गई ले लासन से गंगा भर गई ले कोरोना से लाखन मर गई ले लासन से गंगा भर गई ले टिकटिया कफन नो चट कुकुर बिलार बा ए बाबा कावा यूपी में कावा और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा कावा यूपी में काबा अरे राम राज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा राम राज के झांकी बा काशी मथुरा बाकी बा गोरखपुर में खून से रंगल बोतल पूरा खाकी बा अरे काबा यूपी में काबा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा मैं एमपी में काबा वो भी सुना देती हूँ अच्छा एमपी में काबा की कहानी ये है कि मेरे खिलाफ ऐसे तो मामा लाडली भांजी करते रहते हैं लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं इस लाडली भांजी जो कितनी प्यारी सी बच्ची है प्यारी बच्ची हूँ ना इसके ऊपर 4-4 FIR दर्ज कराए मामा ने लेकिन कोई बात नहीं मामा हमारे ऊपर FIR करेंगे तो अब उनके लिए हम कुछ प्रार्थना और चरण वंदना गीत तो गाएंगे नहीं हम भी उनसे सवाल पूछेंगे अपने स्टाइल में अच्छा याद है आप लोगों को बहुत इतना ही प्यार बनाए रखिएगा मैं एमपी में काबा सुनाती हूँ अरे मामा के सरकार बा घोटाला के भरमार बा आएगो दुगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा काबा एमपी में काबा अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा काबा एमपी में काबा अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत नी लाला बा एमपी वाले मामा जी के करतूत नी लाला बा अरे महाकाल अरे पटवारी ये जी पेंशन अब व्यापक घोटाला बा काबा एमपी में काबा अरे भांजा बेरोजगार बा नौकरी के इंतजार बा 16 मास सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा काबा एमपी में काबा लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बाबा की 1000 के कौड़ी बांटत मामा के परिवार बा काबा एमपी में काबा कर्जा में सरकार बा बढ़ल भ्रष्टाचार बा अरे आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा काबा एमपी में काबा अरे एगो मामा कंस रहले दूसर मामा शकुनी रहले कलयुग में तीसरा
कहीं बबुआ के होता एमपी में काबा। इसे हालांकि मैंने पार्ट टू पार्ट थ्री भी लिखा है, लेकिन मैं एक मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैं जहां भी जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे इस गीत को कम सुना गया, इसीलिए मैं जिस मंच पे जाती हूँ उस मंच पे जरूर सुनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे मैं काबा लिखती हूँ और गाती हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है। सरकार किसी की भी हो, आलोचना होती रहनी चाहिए। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, बस सरकार की जय जयकार और वाहवाही करेंगे, सरकार बहादुर की जय, तो भेड़ बकरियों की तरह हाक दिए जाएंगे। हम लोग हाके जा भी रहे हैं और आगे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है, उससे पहले कि संभल जाइए और सवाल करना सीखिए। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, मैंने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है। सुनाती हूँ, दो तीन मिनट समय लूंगी। चार भी ले लूंगा भाई, देखो इतना प्यार मुटावल जाता है। ओ संविधान के सुन ला विचार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। संविधान के सुन ला विचार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। तोहर पहला अधिकार होवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, अब समझाया पन अधिकार भैया। चौदह से अठारह के सार भैया, अब समझाया पन अधिकार भैया। तो हर दूसरा अधिकार हा स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो, उन्हें इससे बाईस के गुहार भैया। अब समझाया पान अधिकार भैया, तो हर तीसरा अधिकार हा शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, अब समझाया पन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा। पूजा पाठ पे हक बातो हार भैया, अब समझाया पन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, अब समझाया पन अधिकार भैया। तोहर घर से भाईल घर के होगी रफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, अब समझाया तुम अधिकार भैया।